जनता अब बदलाव चाहती है, अब बदलाव होना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग साथ में जुड़ रहे हैं जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, और लोग बहुत साथ दे रहे हैं मेरा। और तो अभी देखिए चुनाव लड़ी हूँ तो यही चाहती हूँ कि मैं जीत जाऊँ, भारी मतों से विजयी हूँ। और मैं अपने चाहत पांडे टीवी एक्ट्रेस ने दमोह विधानसभा से किया नामांकन दाखिल। अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं दमोह विधानसभा 55 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी टीवी एक्ट्रेस दंगल गर्ल चाहत पांडे ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। हम आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे दमोह जिले की रहने वाली हैं और इन दिनों वह मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस के वर्तमान विधायक अजय टंडन और पूर्व वित्त मंत्री भाजपा प्रत्याशी जयंत मलैया के साथ होगा। स्वागत जिंदगी के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा आपने जनता के बीच में गई, प्रचार किया, क्या लगता है जनता का कैसा रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। क्या जनता ने मिलने के बाद ऐसा उत्साह जताया कि वो साथ में जुड़ना चाहती है? बहुत सारे लोग साथ में जुड़ रहे हैं जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, और लोग बहुत साथ दे रहे हैं मेरा। और मैंने कहा कि जनता खुद बदलाव चाहती है, मतलब आप समझ जाइए कि बदलाव की कितनी ज्यादा जरूरत है। आने वाले दिनों में क्या चाहती है चाहत पांडे? आने वाले दिनों में चाहत पांडे क्या चाहती है? मैं तो अभी देखिए चुनाव लड़ी हूँ तो यही चाहती हूँ कि मैं जीत जाऊँ, भारी मतों से विजयी हूँ और मैं अपने अपने दमों के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए कुछ कर पाऊँ। विजय के लिए पूर्णतः स्वस्थ हैं आप? हाँ, वो तो समय बताएगा, पर अभी तो भगवान से यही प्रार्थना है।